सो हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी जर्नलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट। तो मुझे ना पहले डायरीज लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं अपने पूरे दिन में क्या क्या कर रही हूँ, मैं उसे नोट करूँ और मेरे साथ क्या बुरी चीज़ हुई है मैं उसे लिखूँ, या फिर क्या मेरे साथ अच्छा हुआ है मैं उसे लिखूँ। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद। मेरी पुरानी डायरीज़ जो कि मेरी 1, 2, 3, 4 मेरी ये पुरानी डायरीज़ है और ये जो मेरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब पूरी ने लिख डाली है, ये पुरानी डायरी है। और ये है मेरी अभी एक न्यू डायरी जो मैंने ख़रीदी है और ये बिल्कुल ही न्यू है। मैंने इससे अभी तक इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा है, इसमें बस मैंने एक इंट्रो लिखा। आपका ये एक ना स्ट्रेस भी कम करता है, लाइक अगर आपने इसमें लिखा अपने मन की बात, जैसे आप किसी को अपने मन की बात नहीं बता सकते, लाइक आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जैसे आप किसी को अपने मन की बात बता सको या फिर अपनी अपनी फीलिंग्स बता सको, तो आपका ये बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। बचपन से ये डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था और अभी मैंने ये परचेज़ करी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी पहली डायरी आई है जो कि मैंने ख़रीदी। 4 टॉपिक्स लिख सकते हो, जैसा कि आप पहला टॉपिक हो गया पूरी डेली लाइफ के बारे में लिखो, ठीक है, पहला टॉपिक हो गया आप अपनी, उसमें पूरी डेली लाइफ के बारे में लिखो कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करो, क्या कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, क्या 3 चीज़ अच्छी लग रही है, क्या 3 चीज़ बुरी लग रही है, या फिर क्या 3 चीज़ पूरे दिन आपको करने में, पूरे दिन में आपको क्या 3 चीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है, ठीक है। सो आप इसमें पहला टॉपिक तो आप इसमें ये लिख सकते हो। पहला टॉपिक आप लिख सकते प्रोम्स, लाइक आप इंटरनेट पर सर्च करो प्रोम्स, लाइक सेल्फ प्रोम, सेल्फ केयर प्रोम, लाइक हैबिट्स लाइक दिस, आप प्रोम्स सर्च करो और आप उसमें लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट, अपनी हैबिट्स, गोल्स, योर फेवरेट थिंग्स, योर फेवरेट थिंग्स और जो भी आपका ड्रीम है, लाइक योर ड्रीम्स, इसमें आप अपनी फेवरेट थिंग्स लिख सकते हो, जैसे कि आपको क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, क्या घूमना आपको पसंद है, गोल्स इसमें लिख सकते हो। इस छोटी सी डायरी में अपने गोल्स के बारे में लिख सकते हो, योर फेवरेट थिंग्स, योर हॉबीज, योर हैबिट्स, आप इसमें सब लिख सकते हो। और फोर्थ टॉपिक, कि आप इसमें अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, लाइक टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम मैनेजमेंट की डायरी आप बना सकते हो कि इस टाइम पे आप ये करोगे, इस टाइम पे आप ये करोगे, लाइक शेड्यूल बना सकते हो एक पूरे दिन का। तो मैंने ये भी किया हुआ था, मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि मैं इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे ये करूँ। मैंने इस डायरी का एक नाम भी रख रखा है, आप चाहो तो आप अपनी डायरी का नाम रख सकते हो या फिर नहीं भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट डायरी का एक नाम रखना इट्स अ प्रीटी गुड थिंग, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा फन लगता है, क्योंकि डायरी का एक नाम रखना इट्स अ फन थिंग। इसका एक नाम रखा और इसका नाम मैंने रखा है हारू, लाइक हारू, इट्स अ गुड नेम, मतलब आपको जो भी नाम पसंद है, जैसे कि मुझे हारू नाम बहुत ज़्यादा पसंद था। अब आप पूछोगे हारू नाम मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैं के ड्रामा देखती हूँ तो उसमें एक के ड्रामा में, लाइक आपने अगर देखा होगा वो के ड्रामा तो आपको पक्का पता होगा कि उसमें एक्टर का नाम हारू होता है, और मुझे हारू नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस डायरी का नाम मैं हारू रखूँ, क्योंकि ये मेरी न्यू डायरी है, सो मैंने इसीलिए अपनी इस डायरी का नाम रखा है हारू। सो गाइस, ये थी मेरी इतनी सारी भारी भारी मोटी मोटी जर्नल डायरीज, ये थी मेरी इतनी सारी डायरीज और ये थी मेरी पहली डायरी जो मैंने आज परचेज़ करी है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ मैंने ये डायरी परचेज़ करी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे लग रहा है आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही और कल हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सारांगे, लव यू ऑल, बाय।